हाय फ्रेंड्स, अंजलि मीनाज किचन में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाएंगे वेजिटेबल्स मैगी। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैंने कैबेज लिया है और कॉलीफ्लावर और थोड़ी सी मटर और कैरोट और टमाटर और थोड़ी सी मैंने प्याज कटिंग किया है और दो हरी मिर्च लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे पानी रखेंगे गर्म होने के लिए। मैगी तो सबको आता है बनाने, लेकिन यहाँ पर मैं वेजिटेबल मैगी बता रही हूँ जो खाने में बहुत यमी है और बनाने में भी बहुत आसान है। बच्चों को तो पसंद मैगी आता ही है और साथ में बड़े भी इसे पसंद करते हैं। अब सब्जी को हम फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें डालेंगे पहले हरी मिर्च, उसके बाद हम प्याज भी इसमें ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। प्याज जो है अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और हम जो भी सब्जी कटिंग किए थे उस सब बारी बारी करके इसमें ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। जितना हमने सब्जी कटिंग किया था जितना है उसके हिसाब से हमें नमक ऐड करना है। सब्जी को हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे ढककर। मैंने 3 मिनट पकाया है, अब इसे देख लेते हैं। इसमें हम डालेंगे मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच से भी मैंने बहुत कम डाला है और 1 चुटकी हल्दी डाला है। अब इसमें हम डालेंगे मैगी मसाला। और अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। सब्जी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे मैगी। अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है।
वेजिटेबल मैगी रेडी होता है। यहाँ पे मैं गैस बंद करती हूँ और इसे हम सर्व करने के लिए रखते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत यमी है, आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें। बच्चे तो पसंद करते हैं लेकिन साथ में बड़े भी बहुत पसंद करते हैं। सादा जो मैगी हम तो बहुत बार खाए, लेकिन वेजिटेबल मैगी आप ज़रूर एक बार बनाना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।